अच्छा ये इंटरेस्टिंग सवाल है आ, अगर इशू के पहले दिन आप अगर अप्लाई कर दें तो क्या फिर अलॉटमेंट मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई आ, आप कभी भी करें हाँ। ऐसा नहीं कि टाइम के साथ फिफो मेथड नहीं है हाँ। पहले आओ पहले पाओ टाइप वाला मामला नहीं है आप एप्लीकेशन कभी भी लगाए उससे इशू के पहले दिन लगाए या इशू बंद होने के पांच मिनट पहले लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता सबको अलॉटमेंट के चांस बराबर है अच्छा। हाँ, पहले लगाने का फायदा है कि लास्ट मिनट रहे है कभी कोई एरर आया सिस्टम चले मतलब क्यों इकतीस मार्च के दिन ही सारे काम करने लाइफ के इम्पोर्टेंट है यही। तो आखिरी दिन वाला जो हमारा माइंडसेट है उससे हट लगाने का सोच ही लिया है खत्म करो ना भाई लगा के राइट बस पर अलॉटमेंट प्रोसेस न न कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अच्छा ये वैसे आपने पहले भी क्लियर कर दिया पर एक बार फिर से इसी से संबंधित है अगर एक से ज्यादा पॉलिसी है तो किस पॉलिसी पर डिस्काउंट लेना है किसी पे भी फर्क नहीं पड़ता सी आपके पास पॉलिसी है जी आपको एक ही पॉलिसी तो पैन से लिंक करनी थी एक कर दी काम हो गया ओके और वो कोई सी भी की हो फरक नहीं। आपकी पॉलिसी नंबर और आपका वो पैन लिंक हो गया बात खत्म तो फिर आप किसी भी एक पॉलिसी पे आपको डिस्काउंट मिलेगा अच्छा ऐसा नहीं कि हर पॉलिसी पे मैं एक एक एप्लीकेशन सी एप्लीकेशन के लिए दीप क्या है इंपोर्टेंट पैन नंबर ज्यादा इंपोर्टेंट पर पेन नंबर एक कोटा में एक ही एप्लीकेशन जाएगी यस yes. और अगर पेन नंबर आपका है हुँ. तो उस पेन नंबर पे एक कोई भी पॉलिसी ले लो आप हुँ. और पॉलिसी होल्डर कोटा में ले लो हुँ. तो एक से ज्यादा पॉलिसी अगर आपके पास है भी तो डिस्काउंट एक ही पॉलिसी पर और एक ही बार मिलेगा ओके okay. और ऐसा भी नहीं कि एक पॉलिसी पे मैं पंद्रह एक लोट लगा दूं हुँ. दूसरी पॉलिसी पे मैं तो दो लाख तक तो की डिटेल में पॉलिसी होल्डर में लगा सकता हूँ दस पॉलिसी दस में पंद्रह पंद्रह ऐसा नहीं एक ही एप्लीकेशन जाएगी ओके okay. पंद्रह शेयरों की एक लोट की लगानी हो या आपको चौदह लोट की लगानी हो एक ही एप्लीकेशन लगेगी एक पॉलिसी होल्डर की तरफ से पॉलिसी होल्डर कोटा में ज्यादा लगानी है रिटेल में लगा लो अच्छा। एक और एप्लीकेशन करेक्ट ये सर ठीक है सर अच्छा आखिरी बार आपने बताया कि किस तरह से डिस्काउंट मिलेगा हर कैटेगरी में अब बताइए कि अलॉटमेंट किस तरह से होगा रिटेल में पॉलिसी होल्डर में और एम्प्लॉ कोटा में शेयर कैसे अलॉट ये बहुत बढ़िया सवाल है पहले रिटेल में समझिए ओके आपने देखा होगा दीप हम कई बार जब कंपनियों का एनालिसिस करते हैं तो एक लोट अप्लाई करें पंद्रह हजार रूपए तक का लोड साइज होता है करेक्ट क्यों तो कहते हैं हम जब इश्यू बहुत ज्यादा बढ़ता है तो पह, जो सिस्टम है अभी सेबी की तरफ से जो नियम है कि पहले एक एक लोट सबको दिया जाए ठीक है उसके बाद अगर और शेयर बचते हैं तो जिसने ज्यादा लोट लगाए उनको उस हिसाब से मिलेंगे राइट ठीक है और कई बार क्या होता है कि इश्यू इतना ज्यादा बढ़ता है कि सबको एक एक लोट भी ना मिले तो लॉटरी सिस्टम से भी लॉटरी सिस्टम ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले एक एक लोट सबको दिया जाएगा अगर ज्यादा और सब्सक्राइब हो गया तो एक, एक एक लोट में भी आपकी लॉटरी लगेगी और तब तो यह मान के चलें कि अगर आपने एक से ज्यादा लगाए तो अलॉटमेंट मिलना ही नहीं है करेक्ट ठीक है लेकिन अगर बहुत ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ तो एक एक लॉट सबको मिलेगा ओके एक एक सबको देने के बाद जिसने एक लोट लगाया उसको भी एक लॉट मिलेगा जिसने चौदह लोट की दो शेयर की एप्लीकेशन लगाई रिटेल कैटेगरी में उसको भी एक मिलेगा अब उसके बाद और बचा है शेयर तो फिर प्रोपोर्शनेटली बांटा जाएगा ओके फिर सबको लॉटरी सिस्टम से ऐसा बांटा जाएगा कि फिर आपके आपने कितने की लगाई जिसने ज्यादा शेयर की लगाई उसको अलॉटमेंट मिलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे जिसने कम की लगाई लेकिन पंद्रह शेयरों तक एक लोट तक सब बराबर है क्लियर है है ठीक और ओवर सब्सक्राइब हो गया तो सबको प्रोपोर्शनेटली मिले एक एक तो सबको मिली जाएगा और प्रोपोर्शनेटली मिलेगा ठीक है अब आइए जो एम्प्लॉ कोटा है और जो पॉलिसी होल्डर कोटा है यहां पे सबको एक एक मिलेगा ऐसा नहीं है ओके okay. रिटेल और इसमें अलॉटमेंट में बड़ा फर्क है देखो ये ये सब करने के लिए हमने बहुत मेहनत की ढंग से सुनिए ध्यान से सुनिए okay. एम्प्लॉय कोटा और पॉलिसी होल्डर कोटा में अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं हुँ. तो वो प्रोपोशनेट बेसिस पर होगा हुँ. जितना सब्सक्राइब हुआ उस हिसाब से सबको बटेगा हुँ. अगर दस गुना हो गया तो सबको उस हिसाब से आएगा एक ही गुना हुआ तो सबको फॉर्म अलॉटमेंट मिल जाएगा क्लियर है तो रिटेल में आपके लिए फायदा ये है रिटेल में लगाने का कि एक एक लोट मिलने की संभावनाएं तो बढ़ी जाती है इतना ही और सब्सक्राइब हो करेक्ट करेक्ट जो पॉलिसी होल्डर कोटा है एम्प्लॉय कोटा में उसमें सीधा आपको प्रोपोर्शन बेसिस पे दिया जाएगा ये बड़ा फर्क है रिटेल में दो कैटेगरी होगी एक लॉट सबको दूसरा लॉट प्रोपोर्शनेट उसके बाद वाला एच एन आई सॉरी एम्प्लॉय और पॉलिसी होल्डर प्रोपोर्शन बेसिस पे तो एक से ज्यादा लॉट वहां पर अप्लाई करना करिए आपको जितना ज्यादा करेंगे उतना फायदा उतना फायदा है हाँ पॉलिसी होल्डर और एम्प्लॉय कोटा में जितना ज्यादा करेंगे उतना अलॉटमेंट मिलने के चांस ज्यादा है रिटेल में एक एक लॉट के लिए सब बराबर है उसके बाद बच गए शेयर तो जिसने ज्यादा अप्लाई किया उसको ज्यादा मिलेगा सिंपल ठीक है सर क्लियर है अच्छा एच के बारे में समझाइए कि अगर पॉलिसी होल्डर कोटा में एच भी अप्लाई कर सकता है कर सकता है तो कैसे अगर एचयूएफ के नाम पर आपके पास पॉलिसी है एच के नाम पे आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है तो आप कर दीजिए होगा ये कि एच जैसे अनिल कुमार सिंह भी एचयूएफ है फॉर एग्जांपल और मैंने एक एल की पॉलिसी अनिल कुमार सिंह एच यूएफ में ले रखी है ठीक है और मेरा डीमेट अकाउंट है मैंने पॉलिसी लिंक कर दी मैं अप्लाई कर सकता हूँ अप्लाई एप्लीकेशन होगी अनिल कुमार सिंह भी कर्ता के नाम से जो करता है वो कर सकता है मेरे में करता हूँ जिस जो भी एच है उसका कर्ता करे डीमेट अकाउंट नंबर और पैन नंबर ये याद रहे एच यू एफ के जाएंगे ओके इंडिविजुअल मत डाल देना एच का पैन नंबर डालिए एचयूएफ का डीमेट दीम, अकाउंट नंबर डालिए एचयूएफ के नाम से अप्लाई कीजिए नाम जाएगा कर्ता का कर दीजिए एच यू एफ कर सकता है ठीक है